आज हम सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स को देखते हैं वट इज पॉइंटर रेफरेंसिंग इज़ इनको हम डिनोट किस तरह से करते हैं पॉइंटर क्या है पॉइंटर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑफ वेरिएबल दैट द एड्रेस अनदर वेरिएबल जो एक पॉइंटर है वो एड्रेस स्टोर करता है एक दूसरे वेरिएबल का एंड रेफरेंसिंग क्या होता है पॉइंटिंग टू वर्ड मेमरी एंड स्टोरिंग एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल और इसका जो हम इसको डिनोट करते हैं वो एमपरसेंट से डिनोट करते हैं को एक एस्टेरिक से डिनोट करते हैं और रेफरेंसिंग हमारे पास जो एम्परसेंट होता है और ये एड्रेस करता है या फिर पॉइंटिंग टू हम इसको आगे एग्जाम्पल्स में देखते हैं pointer, IPTR, X. ये स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एक इंटीजर वेरिएबल है एंड देन एक उसी का ही पॉइंटर है इंटीजर पॉइंटर तो इसे हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं इंटीजर वेरिएबल जो एक एक्स है ये जो डेटा टाइप है वो दोनों की सेम होनी चाहिए इंटीजर एक्स और इसी इंटीजर का ही एक पॉइंटर है इंटीजर टाइप का ही एक पॉइंटर है इंट पॉइंटर का नाम क्या है आई पी टी आर ये एक हमारे पास पॉइंटर है उसे इस तरह से डिनोट करते हैं ये एक आई पी टी आर हमारे पास एक पॉइंटर है एंड इंटीजर पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल अब जो ये एक पॉइंटर है आई पी टी आर इट इज़ स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ एक्स ये इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं द वेरिएबल इनकी जो डेटा टाइप है वो सेम होनी चाहिए एक हमारे पास इंटीजर वेरिएबल था और एक इंटीजर पॉइंटर है पॉइंटर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ एक्स ये जो हमारे पास है इट इज इसे कहते हैं का लाइन स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ एक्स तो ये हमारे पास इस तरह से भी लिख सकते हैं इंटीजर का एक हमारे पास वेरिएबल एक्स है और एक हमारे पास इंटीजर पॉइंटर है एंड इट इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ एक्स तो हमारे पास इस तरह से भी हम लिख सकते हैं अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टैरिक नहीं आएगा और अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं एक इंटीजर एक्स है इंटीजर का एक पॉइंटर है इट स्टोरिंग एड्रेस ऑफ एक्स इसे ampersand बोलते हैं एक हमारे पास चार वेरिएबल एक्स है और फिर चार का हमारे पास एक पॉइंटर है चार पी टी आर इसे हम सी पी टी आर लिख सकते हैं एंड इट इज़ स्टोरिंग एड्रेस ऑफ चार वेरिएबल सी पी टी आर इज़ इक्वल टू एम परसेंट एक्स और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं इतने पार्ट को चार स्टेरिक पी टी आर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स तो आप किस तरह से भी लिख सकते हैं ये हमारे पास एक चार वेरिएबल है चार का पॉइंटर है इन दोनों की जो डेटा टाइप है वो भी सेम थी यहाँ पर इंटीजर इंटीजर सेम था जो एक वेरिएबल है उसी का ही पॉइंटर है यहाँ पर चार एक वेरिएबल एक्स है और जो चार का पॉइंटर है वो सी पी टी आर है चार स्टोरिंग एड्रेस ऑफ एक्स hmm. okay. फ्लॉट पॉइंटर विच स्टोर एड्रेस ऑफ चार वेरिएबल एक्स ऊपर तो हमने ये बात की थी कि जहाँ पर हमारे पास जो एक वेरिएबल होता है उसकी डेटा टाइप भी वही होती है और जो उसका पॉइंटर होता है उसकी भी डेटा टाइप वही होती है यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल है वो चार है तो हम इसे लिखेंगे चार और इसका जो वेरिएबल है वो एक्स है और इसका जो पॉइंटर है उसकी जो डेटा टाइप है वो फ्लॉट है फ्लॉट और जो उसका पॉइंटर है उसे हम लिख सकते हैं फ्लॉट पी टी आर यहाँ पर स्टेरिक लगेगा जो पॉइंटर बनता है और इट इज़ स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ चार वेरिएबल एक्स तो इसके लिए हम क्या करते हैं फ्लॉट पी टी आर इज इक्वल टू हमें ये फ्लाट में चाहिए इसे हम कहते हैं बाय फोर्स कि हम बाय फोर्स इसको फ्लॉट में करने लगे हैं तो इसे इस तरह से लिखते हैं एक यहाँ पर स्टेलिक लगता है एंड देन एड्रेस ऑफ एक्स ये आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा एक हमारे पास चार वेरिएबल एक्स है इसे कास्टिंग जो बाय फोर्स हम ले रहे हैं इसे कास्टिंग भी कहते हैं फ्लॉट पॉइंटर विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ चार वेरिएबल एक्स हमारे पास जो वेरिएबल है वो करेक्टर है देन और जो पॉइंटर है वो फ्लॉट में है तो जो यहाँ पर डेटा टाइप सेम नहीं है चार जो वेरिएबल एक्स है उसकी जो डेटा टाइप है चार है जो उस पी टी आर है उसकी डेटा टाइप फ्लॉट है देन फ्लॉट इसको लिख सकते हैं एफ पी टी आर इज इक्वल टू जो हमें इसको भी सेम बनाने के लिए एक ब्रैकेट में फ्लॉट एंड स्टेरिक एंड एड्रेस ऑफ एक्स एम्पर सेंट एक्स तो इसे हम कहते हैं इट इज़ स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ एक्स और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं चार एक्स एक वेरिएबल है फ्लॉट एक पॉइंटर बनने लगा है फ्लॉट पी टी आर इज इक्वल टू फ्लॉट स्टेरिक एंड देन एड्रेस ऑफ एक्स तो ये भी हमारे पास करेक्ट है ये भी करेक्ट है ऊपर भी हमने ऐसे किया था एक हमारे पास था चार वेरिएबल एक्स था चार एक इसका पॉइंटर बना था सी पी टी आर सी पी टी आर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ एक्स इस तरह से भी हम लिख सकते हैं एंड देन और ये लिख सकते हैं एक चार वेरिएबल एक्स है एंड चार जो इसका है सी पी टी आर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ एक्स तो हम इसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं देन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ऊपर हमने जो इंटीजर का किया है उसे हमने लिखा है इंटीजर एक्स इंटीजर उसका एक पॉइंटर है एंड आई पी टी आर इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ एक्स तो एम परसेंट एक्स एंड देन इंटीजर एक्स है एक इंटीजर उसका जो पॉइंटर है उसे हम लिख सकते हैं एम परसेंट एक्स उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं रेफरेंसिंग yeah, हम किस तरह से करते हैं सो so, हमारे पास इंटीजर मेन में हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं एक हमारे पास है इंटीजर वेरिएबल एक्स इज स्टोरिंग टेन, एंड देन एक इंटीजर पॉइंटर है हमारे पास आई पी टी आर एंड आई पी टी आर जो इंटीजर पॉइंटर है एड्रेस एक्स आई पी टी आर इज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ एक्स एम एक्स इसे हम कहते हैं रेफरेंसिंग एंड सी आउट स्टेरिक आई पी टी आर इट इज़ कार्ड डी रेफरेंसिंग देन रिटर्न जीरो हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया अब हम इसकी एक मेमोरी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर हम इसकी मेमोरी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं मैमरी डायग्राम है यहाँ पर हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल एक्स है इन दोनों की जो डेटा टाइप है वो सेम है हमने तो जो एक इंटीजर वेरिएबल एक्स है और एक उसका पॉइंटर है उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए एक हमारे पास इंटीजर वेरिएबल एक्स है इसका एक अपना एड्रेस है ये मैं अज्यूम कर रही हूँ और एक हमारे पास है इंटीजर आई पी टी आर आई पी टी आर और इसका एक अपना एड्रेस है एंड आई पी टी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ एक्स और ये इसमें क्या स्टोर है टेन एंड इट इज़ स्टोरिंग एड्रेस ऑफ एक्स जीरो एक्स एफ एंड वेन वी डू सी आउट आई पी टी आर इट मीनस दैट ये जो स्टेक पी टी आर है ये क्या करेगा रीड वट इजोर रीड वट इज स्टोर्ड एट दिस कॉन्टेंट रीड वट इज स्टोर्ड एट दैट पॉइंट हम इस पर क्या से वो आई पी टी आर पर आया इसमें एक एड्रेस स्टोर तो है जीरो एक्स एफ इस जीरो एक्स एफ इस पर आएगा जीरो एक्स एफ और इसमें क्या कॉन्टेंट स्टोर है वो इसका आंसर हमें दे देगा टेन डीज आर डी रेफरेंसिंग पार्ट तो अगर हम करते हैं सी आउट एक्स तो उसका आंसर भी टेन ही आएगा और अगर हम करें सी आउट स्टेरिक आई पी टी आर इट मीन्स दैट कि रीड करो कि इस पर क्या पड़ा है जब ये इस पर आएगा तो इसमें एक एड्रेस स्टोर है और ये इस एड्रेस पर जाएगा और इसमें देखिएगा उसमें टेन स्टोर है तो उसका आंसर हमें टेन दे दिएगा इट इज़ अ रेफरेंसिंग एंड डी रेफरेंसिंग पार्ट हमने सीखा है कि अगर एक इंटीजर वेरिएबल है और इसका जो पॉइंटर होगा उसकी भी टाइप इंटीजर ही होगी अगर चार है चार वेरिएबल है तो उसका जो पॉइंटर है वो चार पीटीआर ही होगा अगर डबल है तो डबल ही होगा और फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल है डबल वेरिएबल एक्स है और जो इसका पॉइंटर है वो इंटीजर है इंटीजर आई पी टी आर एंड इंटीजर पॉइंटर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ डबल ये इसका एड्रेस स्टोर नहीं कर सकता जबकि इन दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए लेकिन अगर ऐसा आ जाए तो फिर क्या करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आई पी टी आर इज इंटीजर स्टेरिकन एड्रेस ऑफ एक्स तो यह हमारे पास होता है एक डबल एक्स है एक ने हमारे पास डबल वेरिएबल एक्स है एक इंटीजर आई पी टी आर एंड देन आई पी टी आर इज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ डबल वेरिएबल एक्स तो इन दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए इसलिए हमने इसको भी इंटीजर में बाय फोर्स कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर देन देन एक्स एड्रेस ऑफ एक्स इट मीनस दैट इट इज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ डबल वेरिएबल एक्स जबकि इन दोनों की ट्रेम सेम होनी चाहिए तो हम इसको कर सकते हैं ये हमारे पास होती है कास्टिंग और इसे बाई फोर्स भी कहते हैं इंटीजर मेन में हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं इंटीजर मेन में अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं उसमें जो हमारे पास है एक हम लेते हैं इंटीजर वेरिएबल एक्स इज़ सिक्सटी फाइव देन एक इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर होगा इंटीजर आई पी टी आर वन दैन इंटीजर डबल पॉइंटर आई पी टी आर टू दैन इंटीजर एक स्टेरिक दो एंड तीन एन आई पी टी आर इज थ्री PTR3 is storing address of PTR2. एड्रेस ऑफ इसे हम मेमरी डाइग्राम से सोल्व करते हैं एंड पी टी आर टू इज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ पी टी आर यहाँ पर मैंने IPTR कहा है तो यहाँ पर भी हम IPTR ही लिखेंगे IPTR3 is storing address of IPTR2 and IPTR2 is storing address of IPTR1. Yeah, my first question hai. integer variable X is storing 65. Ek integer pointer hai IPTR1, IPTR2, IPTR3, then IPTR3 is storing address of IPTR2, and IPTR2 is storing address of IPTR1, and IPTR1 is storing address of X. सी आउट स्टेरिक पी टी आर वन डबल स्टेरिक हमारे पास जो ये थ्री स्टेरिक्स हैं इसको हम इस तरह से और ये हमें मिलेगा ये हमें स्क्रीन पर शो हुआ करेगा तो इसे हम मेमोरी डायग्राम से बनाते हैं उससे पहले जहाँ पर ये एड्रेस स्टोर करे होते हैं इन्हें कहते हैं रेफरेंसिंग इस पार्ट को कह सकते हैं हम रेफरेंसिंग पार्ट और ये जो होते हैं स्टेरिक पीटीआर सी आउट करें इसे कहते हैं डी रेफरेंसिंग डी रेफरेंसिंग तो ये हमारे पास डिफ्रेंसिंग पार्ट होता है ये रेफरेंसिंग पार्ट होता है और इसको हम मेमोरी डायग्राम से यहाँ पर बनाते हैं मेमोरी डायग्राम बनाने लगे हैं एक हमारे पास इंटीजर एक्स है उसमें हमारे पास सिक्सटी फाइव स्टोर हो रहा है यहाँ पर हमारे पास है पी टी आर वन आई पी टी आर वन हमारे पास है डबल पॉइंटर आई पी टी आर टू देन हमारे पास है आई पी टी आर थ्री रेफरेंसिंग पार्ट को हम देखते हैं आई पी टी आर थ्री इज़ स्टोरिंग एड्रेस ऑफ पी टी आर टू जो हमारे पास आई पी टी आर थ्री है इट इज़ स्टोरिंग एड्रेस ऑफ़ पी टी आर टू तो हम इनके एड्रेस को डिक्लेयर करवा लेते हैं तो हम लोग इनके जो एड्रेस है उन्हें लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एड्रेस है ज़ीरो एक्स वन इसका एड्रेस है ज़ीरो एक्स फोर इसका एड्रेस है ज़ीरो एक्स एट इसका एड्रेस है ज़ीरो एक्स ट इंटीज़र में फोर बाइट्स आगे आगे जाते हैं जंप करते हैं और चार में वन स्टेप अब इसका जो रेफरेंसिंग पार्ट है उसे हम कंप्लीट करते हैं आई पी टी आर थ्री इज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ आई पी टी आर टू आई पी टी आर थ्री इज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ आई पी टी आर टू इसका एड्रेस है जीरो एक्स एट आई पी टी आर टू स्टोरिंग एड्रेस ऑफ आई पी टी आर वन जीरो एक्स फोर आई पी टी आर इज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ आई पी टी आर वन एंड आई पी टी आर वन इज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ एक्स जो एक्स का एड्रेस है वो आई पी टी आर स्टोर कर रहा है सो so यह हमारे पास है रेफरेंसिंग पार्ट अगर हम डी रेफरेंसिंग पार्ट पर आएंगे तो वो कहता है सी आउट स्टेरिक आई पी टी आर वन इट मीन्स दैट रीड दैट पॉइंट वाट इज़ स्टोरड एट आई पी टी आर वन वो आई पी टी आर वन वन पर जाएगा और देखेगा कि उसके कॉन्टेंट में क्या स्टोर है इट इज़ स्टोरिंग एड्रेस ऑफ एक्स ये इस पर आएगा एड्रेस ऑफ एक्स के कॉन्टेंट में क्या है सिक्सटी फाइव तो यहाँ पर सिक्सटी फाइव प्रिंट हो जाएगा जब लिखेंगे आई पी टी आर फन तो सिक्सटी फाइव प्रिंट हो जाएगा जब आएगा डबल स्टेरिक पी टी आर टू रीड दैट वट इज़ स्टोर्ड एट दिस पॉइंट तो वो यहाँ पर जाएगा डबल स्टेरिक आई पी टी आर टू वो इस एड्रेस पर गया है ये किसका एड्रेस है ये इस पर आ गया और ये देखिएगा इसके कंटेंट में क्या है इट इज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ एक्स और अब ये कंटेंट यहां पर जाएगा जीरो so पर भी जो आंसर है वो सिक्सटी फाइव प्रिंट हो जाएगा देन यहां पर है तीन हमारे पास तरीके हैं पीटीआर थ्री वट इज डोइंग दिस ये क्या कर रहा है यहां पर जाएगा इट इज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ पी टी आर थ्री स्टोरिंग एड्रेस ऑफ़ पी टी आर टू पी टी आर थ्री एड्रेस ऑफ पी टी आर टू का है ये इसका रीड करेगा कि इसके कॉन्टेंट में क्या है इसके कॉन्टेंट में एड्रेस ऑफ पी टी आर टू है ये इस पर आएगा इसके कॉन्टेंट में क्या स्टोर है ज़ीरो एक्स फ़ोर ये ज़ीरो एक्स फोर पर जाएगा ज़ीरो एक्स फोर के कन्टेंट में ज़ीरो एक्स वन है ये इस कॉन्टेंट को रीड करेगा और इस एड्रेस में आपका स्टोर है सिक्सटी फाइव तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा सिक्सटी फाइव सो दिस इज़ कॉल डी रेफरेंसिंग पार्ट और जहाँ पर एड्रेस स्टोर हो रहे होते हैं इट इज़ ए रेफरेंसिंग पार्ट और इसकी जो डेटा टाइप है वो सेम होनी चाहिए अगर एक वेरिएबल है तो उसके ये वाले इंटीजर पॉइंटर्स कि जो डेटा टाइप है वो सेम होनी चाहिए सो so, ये था आज का हमारा लेक्चर था पॉइंटर्स में हमने रेफरेंसिंग देखा डी रेफरेंसिंग डी रेफरेंसिंग का मतलब होता है रीड दैट व्हाट इज स्टोर्ड एट दैट कंटेंट उसके कंटेंट में क्या सेव है रेफरेंसिंग पार्ट इज ये डिक्लेयर कर रहा है इट इज़ स्टोरिंग रेफरेंसिंग पार्ट में पी, आई पी टी आर थ्री इज एड्रेस ऑफ आई पी टी आर वन इसे एम परसेंट बोलते हैं ये हमारे पास स्टेडिक होते हैं इसे पॉइंटर्स को डिनोट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं ये एक इंटीजर वेरिएबल एक्स है ये इसके पॉइंटर्स थे